सपा नेता अखिलेश यादव के बयान पर संत समाज में रोष। आज सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा साधु संतों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद साधु संतों में आक्रोश है। हरिद्वार के साधु संतों ने आज कनखल चौक पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका और उनके बयान पर माफी मांगने की बात कही। इतना ही नहीं, साधु संतों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलकर सनातन धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साधु संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अखिलेश यादव ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उन्हें हरिद्वार में घुसने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। उन्हें सारे संत समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वो कल लिपापोती कर रहे थे कि मैंने ये टिप्पणी संतों पर नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ पे की। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर मठ के महंत हैं और राजनेतावाद में हैं। अगर वो आदित्यनाथ को भी ऐसा कह रहे हैं तो ये संत समाज का अपमान है। ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी संतों के नेतृत्व में सभी अखाड़े आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। ये उनको एक संदेश है, अगर वो नहीं सुधरे, सनातन धर्म पर कुटाराघात करते रहे तो संत समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ करेगा। अखिलेश यादव अपने बाप की परंपरा को निभा रहे हैं। उनके पिताजी मुल्ला कठोर सिंह ने हिंदुओं की हत्या की थी, सर्वविदित है। उसी पैटर्न पर, उसी कदमों पर चल रहे हैं। अखिलेश हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं और सनातन धर्म के संतों को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव को बता देना चाहता हूं कि मुल्ला कठोर सिंह तो झेल ले गए, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगे हिंदुओं के शराब को। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।